नमस्कार आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज का वीडियो भविष्य मालिका और ब्रह्मा कुमारी को लेके मैं अपने व्यूज़ अपने फॉलोअर्स को दे रहा हूँ आपको ध्यान होगा कि मैंने किसी वीडियो में बोला था कि 2022 का जो साल था अगस्त का महीना वो जीवन में परिवर्तन का साल था और उसमें मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और मेरा जो अनुभव था मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए और मेडिटेशन में अपने आप को और मजबूत करके काफ़ी आगे तक गया और मैं इसके लिए एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक रास्ते पे एक रास्ता दिखाया उन्होंने और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी से जोड़ा और एक नई जर्नी दिखाई और अपना पूरा सहयोग दिया और आज भी वो सहयोग मुझे देती हैं उनको मैं फिर धन्यवाद दूंगा ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद और वहाँ का राजयोग सीखने के बाद जो एक जर्नी थी वो जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी और इसके बाद बीच में भविष्य मालिका आई भविष्य मालिका के लिए लोगों ने मुझे अप्रोच किया और पहले तो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मुझे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मिले काफ़ी संसाधन मिले जिनको लेके मैंने उसको भी रिसर्च करना शुरू किया और वहाँ पे बहुत से मेरे भाई हैं जो मेरे को बहुत मदद कर रहे हैं और मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया भविष्य मालिका के पहले मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया था कि युग जो होते हैं चारों युग जो होते हैं मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो कहीं ना कहीं बीस हजार साल का एक चक्र होता है आगे पीछे जो भी हो और वहाँ पे हम इसको संगम काल बोलते हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कलयुग खत्म हो चुका है और लीला प्रभु आएंगे और प्रभु अपनी लीला करके होगा क्या अब देखिए भविष्य मालिका में बोला गया एक विनाश लीला और जब उसको देखते हैं तो आपके मन में एक डर होता है और जब हम ब्रह्मा कुमारी में जाके बात करते हैं तो ब्रह्मा कुमारी या जो हैं वो बहुत प्यार से समझाती हैं और वो बताती हैं कि हमको प्रभु की आराधना करना है और एक मेडिटेशन करना है ब्रह्मा कुमारी को समझना बहुत आसान भी है थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि ये संगठन कैसे बना गूगल में पूरी इन्फॉर्मेशन है कैसे ये आया और कैसे ये धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया मेडिटेशन राजयोग जिसको हम बोलते हैं वो मेन इनका पॉइंटर रहा और दरअसल इन्होंने समाज में लोगों को काफ़ी चेंज किया मेडिटेशन के माध्यम से मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए मुझे कई बार बोलने का भी मौका मिला और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप कभी आबू जाएं या मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन में जाके देखें तो आबू की पहाड़ियों में आपको दिव्य ज्योति जैसे जुगनू चमकते हैं वैसा आपको नज़र आएगा और ये जुगनू जो होते हैं जो एक दिव्य आत्माएं हैं ये इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं कि उस क्षेत्र को बहुत पावरफुल कर देती है भविष्य मालिका में भी काफ़ी अपने आप को मैंने इन्वॉल्व किया काफ़ी मैंने रिसर्च किया और अभी भी कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहा हूँ दो, दोनों की मैंने तुलना करी दोनों एक ही चीज़ें बोल रहे हैं कलयुग खत्म हो चुका है हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं और सतयुग कैसा होगा सतयुग जो है वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होगा सतयुग की जो कल्पना ब्रह्मा कुमारी में की गई है आप लोग कभी उसको देखिए वहां पे जाके समझने की कोशिश कीजिए मैंने उस सतयुग को देखा और उसके लिए मैं अपनी बहनों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे उस लेवल तक पहुंचाया बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी मुझे भी समझ में नहीं आती थी लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सोचिएगा कभी आपको कि पूरी खगोली स्थिति जो होगी बदल जाएगी आगे आने वाले समय में तीन साल 2032 तक सब कहानी खत्म हो के दिव्य आत्माएं जो होंगी पवित्र आत्माएं जो होंगी वहां तक पहुंच जाएंगी एक अलग ही दुनिया होगी जिसको जो बनेगी बनाई जाएगी जहाँ पे एक पवित्र माहौल होगा और सभी लोग जो होंगे वो देवी और देवता के तुल्य माने जाएंगे ये ब्रह्मा कुमारी का कंसेप्ट है ब्रह्मा कुमारी का कंसेप्ट कैसे आया क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया और वो कंसेप्ट निकल के जब आया जब आप, आप वहाँ पर जाते हैं तो उसका एक अलग ही खूबसूरती नज़र आती है भविष्य मालिका में थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन भविष्य मालिका में जो है वो प्रभु की लीला होगी मतलब जो विनाश होगा वो चीज़ वहाँ से होगी और ये लिखी जा चुकी है अब दोनों को कंपेयर किया जाए यदि दोनों को जोड़ दिया जाए समझने की कोशिश किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं और कलयुग का अंत हो चुका है कलयुग में क्या नहीं हुआ कहने के लिए शब्द नहीं है तो मैं अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि वो मेडिटेशन में जाएँ थोड़ा सा ध्यान करें और जो सुबह चार बजे जो अमृत वेला बोली गई है उसमें जाके ध्यान करें तो मैं समझता हूँ कि उनको एक ए, एक 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 सही रास्ता मिलेगा और फिर इसके बाद जब भी वक्त मिले टाइम निकालें तो सत्संग करें और सत्संग में जाके प्रभु की आराधना करें क्या करना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रभु की आराधना करनी है तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के एक खूबसूरत दुनिया में पवित्र आत्माएँ जाएंगी हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो पता नहीं है लेकिन एक अच्छी दुनिया होगी साइंटिफिकली आपको एक बात बता रहा हूँ पृथ्वी अपने एक्सेस में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री है और हम धीरे धीरे वो गैप कम होते हुए देखेंगे और पूरी खगोली जो स्थिति है उनका परिवर्तन देखेंगे और जब आगे जाएंगे तो वो जो पाँच हजार साल का जो एक सतयोग होगा वो एक बहुत ही खूबसूरत होगा जहाँ पे एक लंबी आयु होगी कलयुग में जो आयु थी वो सौ साल का निर्धारण था लेकिन आप देखिए कि कलयुग में चालीस पचास तीस कब किसकी डेथ हो जाए कोई पता नहीं चलता था ये हमारे कर्मों का फल था और यही इस कलयुग को हम विदा करेंगे अब क्योंकि अब जो है जैसे मैं अपने फॉलोअर्स को बताता हूँ कि 2023, 24 25 इन तीन सालों को रख लीजिए काफ़ी विनाशलिला हो जाएगी 27, 26, 27, 28 बची हुई विनाशलिला हो जाएगी और आगे जब हम जाएंगे तो वो 64 करोड़ का जो आंकड़ा है भविष्य का बहुत घृढ़ रहस्यों से भरी हुई है एक लाख पचासी हज़ार ग्रंथ है ब्रह्मा कुमारियों का जो एक ग्रंथ है वो बहुत सरल है सहज है खुला हुआ है आप लोग उसमें जाइए समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझता हूँ कि समय अब बहुत कम है उस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए मेरी आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है नमस्कार